प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है। कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कहे काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे। और इसलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। आस्था का सम्मान भाजपा ने किया, भाजपा सरकार ने किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। जयपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर कंफ्यूज हैं। अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। इसकी एक मिसाल जयपुर में कांग्रेस की महारैली में देखने को मिली। कांग्रेस की ये रैली केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए थी। रैली का नाम था महंगाई हटाओ महारैली, लेकिन वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रैली में महंगाई से ज्यादा फोकस हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर किया। यहां तक कि राहुल गांधी ने महंगाई के लिए भी हिंदुत्ववादियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू अपने डर का सामना करता है, वो एक इंच पीछे नहीं हटता है और हिंदुत्ववादी डर के सामने झुक जाता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी जी पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं कि वो हैं क्या। जब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो बड़े बुजुर्गों के पास जाया जाता है। राहुल गांधी जी अपने दादा फिरोज खान के मजार के पास जाएं, मजार पर बैठें और वहीं पर उनसे पूछें कि हम क्या हैं, हम हिंदू हैं कि कुछ और हैं, हम क्या हैं। बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी हिंदू और हिंदुत्व पर दिए राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो हिंदू होकर भी हिंदुत्ववादी नहीं है वह नकली हिंदू है। बीजेपी के प्रखर हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। इसके लिए राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण बताया जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व में भेद नजर आता है, जबकि हिंदुत्व बीजेपी की विचारधारा की धुरी है। आने वाले चुनावों में वोटर को तय करना है कि वो किस पार्टी की विचारधारा के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।